नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप लॉकडाउन में सभी अपने घर में सेफ होंगे और सभी के काम भी चल रहे होंगे, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ। तो चलिए, आज मैं आपको थोड़े से फ्री है तो मेरे वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि हम टैली की एक छोटी सी ट्रिक सीखने वाले हैं, जिसमें हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हम कैसे मूव करें वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन जो है वो आप एक तो करंट पीरियड चेंज करके कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट F2 प्रेस करना है। तो जब हम ऑल्ट F2 प्रेस करते हैं तो पीरियड चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये नेक्स्ट ईयर डाल दिया 31/3/2020-21, इस तरीके से आपकी ये 19, 20 और 20 से 21 की पूरी कंपनी हो गई है। अभी आप अकाउंटिंग बाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे आप 2020 की एंट्री भी कर सकते हैं। तो मैंने एक एंट्री की, जैसे मैं आपको एक फेक ट्रांजेक्शन करके बताती हूँ। ये हमने एक्सेप्ट करी। अभी दूसरा तरीका ये है कि अभी हमने 2 साल की कंपनी मान के चलिए, आपकी 15 से कंपनी चल रही है, तो 15, 16, 16, 17 और अभी 21 आ गया, तो आपका हैवी लेंथी जो डाटा हो गया उसको आप कैसे स्प्लिट करेंगे, उसके लिए ऑल्ट F3 प्रेस करना है और आप स्प्लिट में जाएंगे, स्प्लिट कंपनी डाटा। स्प्लिट कंपनी डाटा में एंटर करके आप सिलेक्ट कंपनी करेंगे, उसके बाद आप जिस डेट से आपको इसको स्प्लिट करना है वो डेट हम यहाँ डाल देंगे। जैसे इसमें 1 अप्रैल 2020 से इसको स्प्लिट करना है, यहाँ पर मैंने डाल दिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम मैंने जो कंपनी स्प्लिट की थी वो ये है, जो जॉइंट पार्ट वो ये है, 17 से लेके बाकी कंपनी ये है और जो 20 के से लेके अलग कंपनी की वो ये है। तो इस तरीके से स्प्लिट हो जाती है। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप एक कंपनी को नई क्रिएट कीजिए और उसके बाद उसमें आपका जो भी पुरानी कंपनी के लेजर्स हैं विद ओपनिंग उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो पहले तो मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगी, वहां से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका जो डाटा है उसको एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। जो भी लेजर है वो लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाऊंगी, यहाँ पे आप जाएंगे डिस्प्ले में, देन लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे हम, यहाँ पे सारे लेजर आ जाते हैं। इन लेजर्स को हमें एक्सपोर्ट करना है तो ऑल्ट ई प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमने XML डाटा इंटरचेंज लिया और फाइल का नाम दे देते हैं dd.xml। ये देने के बाद आप ये देखिए एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग, इसको जरूर यस कीजिएगा, जिससे कि जो आपका क्लोजिंग डाटा है वो आपके नेक्स्ट कंपनी में, मतलब नेक्स्ट जो ईयर आएगा उसमें आपका ओपनिंग बन जाए। तो ये मैंने सेव कर दिया और इसको हम सेव कर दें। अब हमें क्या करना है कि हम नई कंपनी जैसे हम क्रिएट करते हैं, हमने एक नई कंपनी क्रिएट की और ओझा हमने 2020 डाल दिया। यहाँ पे देखिए आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ डाल देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कंपनी क्रिएट हो जाने के बाद आपको इसमें वो डाटा इम्पोर्ट करना है, तो उसके लिए आप जाएंगे इम्पोर्ट ऑफ डाटा में, यहाँ पे आप मास्टर सेलेक्ट करेंगे और जो आपकी फाइल का नाम था dd.xml उसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप करेंगे मॉडिफाई विद न्यू डाटा। तो ये हमने जब इसको एंटर कर दिया तो जो आपके जितने भी लेजर थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे विद ओपनिंग आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। देखिए मैं आपको बैलेंस शीट दिखाती हूँ, इस ये देखिए जो उसकी लास्ट क्लोजिंग था वो यहाँ पे ओपनिंग बन चुका है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मूव कर सकते हैं। और अगर आपका ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए ऑप्शन के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। श्री राधे कृष्णा।